स्वागत है न्यूज 7 डेज में। अब आज महाराष्ट्र की आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। कानपुर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर दिल्ली के जामिया में छात्रों के ऊपर पुलिस द्वारा किए गए लाठी चार्ज का विरोध किया। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि जामिया में पुलिस की कार्रवाई गलत थी। आज जिस प्रकार से कंपाउंड में घुसकर विद्यार्थियों पर जिस प्रकार गोलीबारी की जा रही है, डिपार्टमेंट की ओर से उसका निर्देश करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि यह जलियांवाला बाग के जैसी तो परिस्थिति यहां पर दिल्ली में निर्माण तो नहीं हो रही है। एनआरसी और सीएबी के मुद्दे पर छात्र अभी रोड पर उतर चुके हैं और हमेशा मोदी के विरोध में ही नारेबाजी कर रहे हैं। बात का विरोध करते हुए पुलिस उनको लाठियों से मार रही है। श्री राम लागू ने बताया, 2 मिनट के सीन में इतना रोना धोना था कि आंखें सूज गई थी। 11 साल बाद 4 आतंकी दोषी करार, धमाकों में 71 लोगों की मौत हुई थी। यह वह प्रेस रिपोर्टर है जो जामिया के अंदर से और मस्जिद में जो जो हुआ और जामिया के अंदर जो जो भी घटा, डिपार्टमेंट ने जितनी भी कस दिए लोगों को, यह सब अपनी आंखों की देखी हालत सबको बता रही है। महामार्ग का काम पूरा कीजिए, अन्यथा टोल बंद कीजिए, ऐसी घोषणाबाजी करते हुए टोल वसूली बंद की शिवेंद्र सिंह राजे और उनके समर्थकों ने आंदोलन किया। नागपुर के महापौर संदीप जोशी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था, उस हमले के बारे में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम महाराष्ट्र के विधायक मुफ्ती इस्माइल कासमी और डॉक्टर फारूक शाह ने महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर सीएबी और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज किया। कानपुर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर दिल्ली में जामिया में हुए छात्रों के ऊपर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज का विरोध किया। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि जामिया में पुलिस की कार्रवाई गलत थी, पूर्वोत्तर और जामिया की कार्रवाई गलत है, विरोध करना संवैधानिक अधिकार है, इस मामले में राष्ट्रपति हस्तक्षेप करे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट पार्टी 12 ऑफ देम हैव मेट द प्रेसिडेंट to plead with him to intervene in the situation. The situation in the northeast, which is now spreading throughout the country, including the capital, in the Jamia University, because of the act, is a very serious situation. We fear that it may spread even further. We are anguished at the manner in which the police has dealt with peaceful demonstrations. We have the example in Delhi where the police entered the Jamia women hostel and dragged the women student out. It mercilessly beat other students, not only here in Delhi, who were demonstrating, which is their democratic right, as is our, to demonstrate. I think you all have seen that that the BJP government, that the Modi government, seems to have no compulsion when it comes to shutting down people's voices and implement legislations which do not seem to be acceptable to the people and to us in a democracy. आज जिस प्रकार से कंपाउंड में घुसकर विद्यार्थियों पर जिस प्रकार गोलीबारी की जा रही है, डिपार्टमेंट की ओर से उसका निषेध करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि यह जलियांवाला बाग के जैसे तो परिस्थिति यहां पर दिल्ली में निर्माण तो नहीं हो रही है। काल ज्या पद्धतीने दिल्ली मध्ये त्या कंपाउंड मध्ये घुसून विद्यार्थ्यांवरती गोळीबार केला, जणू काही जालियांवाला बागेतले दिवस परत आले की काय। जालियांवाला बाग तो जो काय तिथे हिंसाचार घडला होता, तसं वातावरण या देशात पुन्हा निर्माण केले जाते की काय, असं भीतीचं वातावरण
संपूर्ण देशात आणि युवकांच्या मनात केले जाते आणि मला धास्ती याच गोष्टीचे वाटते की ज्या राज्यामध्ये ज्या देशामध्ये युवक जिथे बिथरतो ते तो देश स्थिर राहू शकत नाही। म्हणून मी केंद्र सरकारला सांगतोय की तुम्ही युवकांना बिथरवू नका, युवक हे आपल्या देशाचं हे भावी आधारस्तंभ आहेत, युवक ही आपली शक्ती आहे। आणि दरवेळेला प्रधानमंत्र्यांच्या भाषणामध्ये लवकरात लवकर म्हणजे मला वाटतं 2020-2021 संपूर्ण जगातला हिंदुस्तान हा तरुण देश असेल आणि ही तरुण म्हणजे ही युवा शक्ती हा युवा बॉम्ब आहे, त्या बॉम्बला बॉम्बची वात पेटवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने करू नये ही मी त्यांना हात जोडून नम्र विनंती करतोय। राज्यामध्ये सुद्धा शांतता आहे, व्यवस्थित सगळं चालू आहे। एनआरसी और सीएबी के मुद्दे पर छात्र अभी रोड पर उतर चुके हैं और हमेशा मोदी के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। बात का विरोध करते हुए भी पुलिस इनको लाठियों से मार रही है। श्री राम लागू ने बताया, 2 मिनट के सीन में इतना रोना धोना था कि आंखें सूज गई थी। डॉक्टर श्री राम लागू ने सैकड़ों फिल्म भले ही की हो पर उनका दिल हमेशा थिएटर के लिए ही धड़कता रहा। पुराने जमाने की फेम्स अभिनेत्री तबसुम ने उनका एक साक्षात्कार अपने कार्यक्रम तबसुम टाकीज के लिए किया था, जिसमें डॉक्टर लागू अपने थिएटर प्रेम को खुलकर इजहार करते नजर आए। डॉक्टर श्री राम लागू ने देहावसान पर तबसुम ने भास्कर से उनका यहाँ खास साक्षात्कार शेयर किया। डॉक्टर लागू ने बताया, मैं एक जमाने में सर्जन था, नाक कान और गले का डॉक्टर था, जिसे साल में मेडिकल कॉलेज में गया। उसी साल मैंने थिएटर शुरू किया था, बस थिएटर का शौक था। जब मैंने हिंदी फिल्म में व्यस्त हो गया तो एक समय ऐसा आया जब मैं थिएटर बिल्कुल कर ही नहीं पाया। तब मुझे महसूस हुआ कि यह मेरी जिंदगी में बहुत गलत चीज हो रही है, इससे काम नहीं चलेगा, थिएटर तो मेरी जिंदगी है, इसे तो मुझे करते ही रहना चाहिए। इस चीज का एहसास होते ही थिएटर की ओर वापस आ गया मैं और हर सेंड मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया। बाकी 6 दिन फिल्मों का काम करना शुरू किया। जो लोग फिल्मों में बिजी होने के बाद थिएटर को बिल्कुल भुला देते हैं, उन्हें महसूस नहीं होता कि थिएटर उनके लिए बहुत जरूरी है, पर मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। मैं मुंबई के छबील दास स्कूल में थिएटर किया करता था। मैंने शुरू से यह कभी नहीं माना कि एक्सपेरिमेंटल थिएटर अलग होता है और कमर्शियल थिएटर अलग होता है। मैं बस इतना मानता हूँ कि एक अच्छा थिएटर होता है और एक बुरा थिएटर होता है। बिल्कुल ऐसे ही मेरा मानना फिल्मों के लिए भी है। ग्यारह साल बाद 4 आतंकी दोषी करार, धमाकों में 71 लोगों की मौत हुई थी। यहाँ की विशेष अदालत ने बुधवार को जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में 4 आतंकियों को दोषी करार दिया। एक आरोपी शहबाज हुसैन को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया। मई 2008 को परकोटे में 8 जगह पर सिली स्लीव वाल बस धमाके हुए थे, जिसमें 71 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 185 जख्मी हुए थे। कोर्ट ने मोहम्मद सैफ, सैफ फुरमान, सवर आजमी, मोहम्मद सलमान को हत्या, राजद्रोह और विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी पाया। शुक्रवार को कोर्ट इनकी सजा पर फैसला सुना सकता है। मामले कुल 13 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था। 3 आरोपी अब तक फरार हैं और 3 हैदराबाद व दिल्ली की जेल में बंद हैं। बाकी बचे 2 गुनहगार दिल्ली की बटेला हाउस में मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। यह वह प्रेस रिपोर्टर है जो जामिया के अंदर से और मस्जिद में जो जो हुआ और जामिया के अंदर जो जो भी घटा, डिपार्टमेंट में जितने भी कर्ज दिए लोगों को, यह सब अपनी आंखों की देखी हालत हम सबको बता रही है। इस वक्त मैं जामिया मिलिया इस्लामिया की उस मस्जिद के पास खड़ी हूँ जहाँ पुलिस ने घुसकर मार पिटाई की। मैंने यहाँ के इमाम से बात की, उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने जो बताया वो बहुत ब्रूटल था। दैट वाज मतलब मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि मस्जिद में घुस के जो लड़कियाँ थी वहाँ पे, स्टूडेंट्स थे, सब पे लाठी इस कदर चार्ज की कि हाथ पैर तोड़ दिए उनके, और इमाम साहब को भी लाठी वाठी मारी उन्होंने लाठी मारी इमाम साहब को। इमाम साहब बता रहे थे कि लड़कियों के पैर पे इतना मारा कि उनके दोनों पैर टूट गए। मतलब मेरी तो रूह कांप रही है सुनकर ही। उस वक्त क्या माहौल रहा होगा मुझे नहीं पता, और
फिलहाल मैं यहाँ से निकल रही हूँ क्योंकि काफी लोगों का इकट्ठा खड़े होना अलाउ नहीं है यहाँ पर। सातारा के भाजपा विधायक शिवेंद्र सिंह राजे भोसले ने अपने समर्थकों के साथ महामार्ग के गड्ढों और कारपेटिंग के काम में महामार्ग प्राधिकरण ने अनदेखा करने के कारण आने वाली टोल पर जाकर महामार्ग का काम पूरा कीजिए अन्यथा टोल बंद कीजिए ऐसी घोषणाबाजी करते हुए टोल वसूली बंद की। शिवेंद्र सिंह राजे और उनके समर्थकों ने आंदोलन किया। नागपुर के महापौर संदीप जोशी इन पर जानलेवा हमला हुआ था, उस हमले के बारे में उन्होंने अपनी प्रक्रिया दी है। संदीप जी क्या कहेंगे, कैसा क्या वाकया हुआ था? पिछले 6 तारीख को और उसके बाद में 12 तारीख को दो लेटर इस तरीके से आए हुए थे। पहले मुझे ऐसा लगता है कि शहर का इंक्रोचमेंट ये विषय पे जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर से इस तरह की घटना जो है वो घटना घटी हुई है। कल जब बाहर परिवार के साथ में हम लोग गए थे भोजन करने, आते वक्त पीछे से एक बाइक पे दो व्यक्तियों ने आके वहाँ पे 3 बार फायर किया। मैं खुद ड्राइव कर रहा था तो राइट साइड में पहली गोली लगी, उसके बाद में बीच के सीट पे और पीछे की कांच पे, ऐसी 3 जगह पे गोली मिली। सौभाग्यवश से कोई भी दुर्घटना नहीं घटी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम महाराष्ट्र के विधायक मुफ्ती इस्माइल कासमी और डॉक्टर फारूक साने महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और NRC के खिलाफ एहतजाज किया। इस मुल्क को बांटने की साजिश की जा रही है जिसे हम हरगिज नहीं होने देंगे। इस देश में संविधान सबसे ऊपर है। आवाज महाराष्ट्र की न्यूज़ 7 डेज के साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।